हाय, मैं राजीव सर अपना राजीव क्लासेस से बोल रहा हूँ। यह मेरा वीडियो जो है 5 मिनट के अंदर कोई शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको हम पूरी पूरी बात समझा सकें। आज चैप्टर का नाम है मानव रोग मानव डिजीज, जिसमें ये क्वेश्चन रेलवे SSC और अन्य एग्जाम में खूब पूछता है। ये एग्जाम के कि विषाणु से कौन सा रोग होता है, जीवाणु से कौन सा होता है, प्रोटोजोआ से कौन सा होता है, कवक से, उसे एक ट्रिक लिख दिए हैं। एक अगर आपको लाइनिंग करा देते हैं, आते हैं पॉइंट पे। जैसे जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से होने वाले रोग क्या है का ट्रिक है। डीप सिटी की क्या है, डीप सिटी का कुटनी है। डीप सिटी का क्या है, कुटनी है। डी से डिथेरिया, प से प्लेग, सी से सिफिलिस, प से प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टिटनेस या टीबी। पूछेगा टीबी किससे होता है, तो जीवाणु या बैक्टीरिया से। का से काला खांसी, कुकुर खांसी। कु से क्या है, कुष्ठ रोग। क्या होता है, कुष्ठ रोग। कु से ट से टाइफाइड, ट से क्या होता है, टाइफाइड होता है। नी से निमोनिया, है से हैजा। पूछेगा जीवाणु से होने वाले कौन से होते हैं, डिथेरिया, प्लेग, सिफिलिस, टिटनेस, काला खांसी, कुष्ठ रोग, टाइफाइड, निमोनिया और क्या है जा। ये किससे होता है, तो जीवाणु और क्या बैक्टीरिया से होता है। आते हैं विषाणु से। विषाणु से होने वाले का हम बताए थे एडे, पोइचे, छोक, खटा, हिम, हरे। फिर से एडे, पोइचे, छोक, खटा, हिम, हरे। तो ए से होता है एड्स। एड्स से खूब पूछता है क्वेश्चन, एड्स कहाँ होता है, तो विषाणु। विषाणु मतलब वायरस से होता है। किससे होता है, विषाणु मतलब वायरस से होता है। डेंगू, डे से डेंगू। डेंगू किससे, तो विषाणु से होता है। पोलियो किससे होता है, तो विषाणु से होता है। इन्फ्लुएंजा किससे होता है, तो विषाणु से होता है। चे से चेचक किससे होता है, तो विषाणु से होता है। छोटी माता किससे होता है, तो विषाणु से होता है। ग से गलसुआ किससे होता है, तो विषाणु से होता है। ख से खसरा किससे होता है, तो क्या होता है, विषाणु से। ट्रोकोमा मतलब आँख का, ये खूब पूछता है कि ये किससे संबंधित है, तो आँख से संबंधित है ट्रोकोमा। हेपेटाइटिस, ये जो है हेपेटाइटिस जो है जॉन्डिस का बड़ा रूप होता है, तो किससे होता है, तो विषाणु से होता है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क का, हर्पिस, हर्पिस होता है, किससे होता है, तो विषाणु से होता है। और रैबिज मतलब जो है कुत्ता को काटने से कौन सा, तो विषाणु से होता है। क्लियर है, इसे पानी का ये फोबिया भी कहते हैं, फोबिया भी कहते हैं। क्लियर है। पूछेगा क्या विषाणु से होने वाले, तो एडे, पोइचे, छोक, खटा, हिम, हरे। ए से एड्स, डे से डेंगू, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, छो से छोटी माता, ग से गलसुआ, ख से खसरा, च से ट्रोकोमा, ही से हिम, हरे, हमारे। उसके बाद आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होता है पे, काम, सोप। पे से पेचिस, क से कालाजार, म से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी। इसे सोने में बीमारी कौन सा है, सीसी मक्खी के क्या है, काटने से होता है। प से क्या है, फलेरिया। उसी तरह क से कवक। कवक, कवक का ट्रिक क्या होता है, कवक से होने वाले, ए दाद खा क्या, खुजली। तो दा ए ए ए दाद खाग, तो ए से होता है एथलीट, ए से एक्जिमा, और दा से दाद, और द से दम्मा, और ख से खुजली, और ग से गंजापन। जैसे कवक से का क्या होने वाला होता है, तो कवक से कौन कौन सा रोग होता है, तो उसका ट्रिक आता है ए दाद खाग। जैसे एथलीट या खुज एक्जिमा जो भी रोग होता है, किससे, कवक से। दाद जैसे नोचना उचना जा, उसे किससे, कवक से। दमा अस्थमा किससे होता है, तो कवक से। और खुजली या गंजापन होता है, किससे होता है, तो कवक से होता है, कवक से होता है। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। प्रतिदिन आपको कुछ ना शॉर्ट ट्रिक लेकर आपको आएंगे। ठीक है, आप खुश रहिए, खुश मिजाज जाइए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। अच्छा लगे तो क्या शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। बाय।